सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग हो रहा है 11:40 से शुरू। सो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम रामपुर बुशहर का कुछ इस तरह का है, काफ़ी साफ मौसम है। मैंने आज काफ़ी टाइम बाद शूट किया दोस्तों, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, तो फिर फ़ोन ठीक होने में थोड़ा टाइम लग गया। इसी वजह से मैं आज काफ़ी लंबे समय बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ रूम में। या क्या हो गया। और दोस्तों, मैं अभी असाइनमेंट थी, ये देखो, और ये मैंने दीदी को भी असाइनमेंट बनाने में लगा रखा है। सो दोस्तों, मैं असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय। तक असाइनमेंट बना रही थी, बस जस्ट अभी फिनिश हुई हूँ असाइनमेंट बना के। अब मैंने नहाने को पानी लगाया है, और ये मेरा भाई है, नहाने को पानी लगाया है। सो दोस्तों, अब नहाते धोते हैं, फिर रेडी होते हैं। आज हम जा रहे हैं गांव जाने की दोस्तों, एक नेक्स्ट लेवल वाली। तो दोस्तों, हम नहा चुके हैं, अब हम रेडी हो चुके हैं, हम रेडी होके बैठे हैं, बस अब बस का वेट करना है नीचे जाके, और हम फिर जाएंगे गांव। और मैं गांव जाके आपको दोस्तों अब सबसे मिलाऊंगी, मेरे मम्मा, मेरे दादी एंड मेरे भैया और मेरे ताऊ ताई सबसे, और मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी। तो आज तो सिर्फ मैं आपको रास्ता ही दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ से जाते हैं गाँव, और फिर गाँव पहुँच के नेक्स्ट डे मैं आपको अपना गाँव। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम गाँव की ओर। बस आ गई होगी। अच्छा दीदी, आपने नहीं आना, आओ ना। हमारी बस न्यू बस स्टैंड से निकल गई होगी। और ये है दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा धूप है, और गांव में जितनी गर्मियाँ रामपुर में है, उतनी ही ठंड गांव में होगी, क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मम्मी बोल रहे थे मुझे कि मोटे मोटे कपड़े पहन के आना, ठंड है गांव में। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ बस का वेट कर रहे हैं, फिर अब बस आएगी, उसके बाद जाके हम बस में जाएंगे। अभी तो बात है, बस का वेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको जीवरी में डायरेक्ट। दोस्तों, हम ज्यूरी पहुंच चुके थे, और ज्यूरी ज्यूरी में बस ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती है, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। हम सब्जी वगैरह ले रहे थे। मौसम का कोई पता नहीं है कब खराब हो जाए कब ठीक हो। सुबह के टाइम में इतना साफ मौसम था, अभी का टाइम इतना खराब है। अब हम चल पड़े हैं ज्यूरी से फाइनली। दोस्तों, पार जो रोड दिख रहा है, ये है 15-20 का रोड। यहाँ से दो रोड डिवाइड होते हैं।
जो हमारे गांव को रोड जाता है वो यहाँ से नीचे को जाता है और किन्नौर वाला ऊपर वाला रोड है। और यहाँ जीडी का हॉस्पिटल है दोस्तों, और ये सुंदर सुंदर भेड़िया। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर भेड़िया, इतनी प्यारी प्यारी है। घानवी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर बावड़ी है। मेरा कैमरा इतना ख़राब हो गया, इतनी धूल है इस रोड में बहुत ही ज़्यादा। घानवी का गांव यहाँ से ऊपर जाते हैं दोस्तों, जो ऊपर रास्ता दिख रहा है ना वहाँ से ऊपर जाते हैं गांव के लिए। अभी यहाँ पर चाय वगैरह थोड़ा सा रेस्ट होता है ड्राइवर कंडक्टर का, तभी रुकती है। बस ऊपर वाले मोड़ से दिखता है घानवी का गांव। तो स्कूल के बच्चों को देख के अपने स्कूल के दिन याद आ गए। और जो ये रोड जाता है ये काबिल की ओर जाता है, और ये इधर वाला हमारे फांचा का रोड है, ये फांचा को जाता है। और दोस्तों ये है घानवी गांव, और जो ये रोड दिख रहा है आपको ये क्यावकोट को जाता है। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखो दोस्तों जो ये वाला मंदिर है ये लाहरुवीर जी का है, और ये घानवी गांव है। सो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा गांव कैसा लगा आपको, और 15-20 का इलाका कैसा लगा। लगभग थोड़ा बहुत तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि 15-20 इस तरह का है। ये है दोस्तों फाइनल घानवी गांव का व्यू, प्यार है। और ये है हमारी फेवरेट चीजी, जिसको खा खा कर हमारा मन नहीं भरता, प्यारा सा डॉगी। दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल घानवी का, इसमें गई तो नहीं हूँ आज तक सारे हॉस्पिटल में। और ये है पुलजट। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, 25 मिनट की जा रही है। 25 मिनट की वीडियो पता नहीं आप लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि फटाफट से थोड़ा कम टाइम लगे इसमें। सो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
लेके जाता है झगोरी को। अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं आपको झगोरी दिखाऊंगी जब हम सांचा पहुंचेंगे इस टाइम। ऐसे तो कांत्री गांव और भी है बट ऊपर को है, बैक साइड को तो थी। अब बस से तो मैं दिखा नहीं सकती थी आपको, तो बस से जितना दिख सकता था उतना तो मैंने दिखा दिया आपको, और जितना मैं दिखा सकती थी उतना मैंने अपनी ओर से पूरा दिखा दिया कांत्री गांव। हमारे साइड के जंगल दोस्तों, आपको जो ये ग्राउंड दिख रहा है ये ग्राउंड हमारे वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच के लिए बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड है नहीं मैच करवाने के लिए, इसलिए क्लब वाले इस ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा ग्राउंड बनेगा आने वाले टाइम में। तो फांचा की शुरुआत वैसे तो इस ग्राउंड से होती है बट अभी ये रेडी नहीं हुआ है, इसलिए आप ये देख लो, व्यू देख लो, ये व्यू है हमारा। यहाँ पर खेत वगैरह है लोगों के, यहाँ पर लोग काम वगैरह कर रहे हैं शायद से, घास वगैरह काट रहे हैं, और इसी के साथ हमारे गांव की शुरुआत होती है। और मौसम के हाल देखो दोस्तों, मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कब बारिश हो और कब धूप निकले। सो दोस्तों, रेडी हो जाओ मेरे गांव को देखने के लिए, मेरा गांव। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर लोग ऐसे भी आते बैठने, और यहाँ दादू जी काम कर रहे हैं कुछ। तो दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम फांचा। ये है दोस्तों मेरे गांव की एंट्री, ये देखिए दोस्तों, ये है फांचा गांव। जय दीप्ता जाख जी, यहाँ पर जाख जी का मंदिर दिख रहा है, जय दीप्ता जाख। और दोस्तों, ये है हमारा स्कूल, ये है स्कूल का ग्राउंड, और यहाँ पर शाम शाम को काफ़ी लोग खेलने आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हाई स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल तक ही है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। और दोस्तों, यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है जो अंग्रेज़ों के टाइम का है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। बैक साइड को है दोस्तों गेस्ट हाउस। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं फांचा, अब बस से उतरने का टाइम आ गया है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में बस से उतर के। ये देखो दोस्तों, इस बस में आए थे हम, ये है हमारे गांव को जो बस आती है। और जितनी गर्मी रामपुर में थी उससे कई गुना ज्यादा ठंड है यहाँ गांव में, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बस में हालत ऐसी हो गई है कि पूछो मत। ये देखो दोस्तों कैसे दिख रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा बस में बहुत ख़राब हो जाती है हालत।
आगे से जाना पीछे से जाना दीदी? हालत खराब हो चुकी है। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बारिश हो सकती है यहाँ तो कभी भी। जो ये सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है जगोरी गांव। तो मैंने बताया था ना आपको, वो रोड आगे ये है वो गांव। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना दीदी मेरे को छोड़ के भाग जाएगी हमेशा की तरह। मिलती हूँ आपको घर पहुंच के। यहाँ तो भी सेब ही नहीं है उतारे हुए लोगों ने। दोस्तों ये जो घर दिख रहा है आपको, ये पहले बहुत ही ज्यादा सुंदर घर था, बट इसमें पता नहीं कैसे से आग लग गई और ये जल के राख हो गया। फिर बहुत सुंदर घर था ये दोस्त, बहुत ही प्यारा, दो मंजिल का था, बहुत सुंदर घर था और मेरी दोस्त का ही घर है ये। देखो दोस्तों मक्की, हाँ आजकल बहुत लंबा लंबा घास होता है। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। ये देखो दोस्तों ये है घर मेरा, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। फ्लावर भी सुंदर सुंदर फ्लावर है। ये देखो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, और मैं खुश भी बहुत हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं घर पहुंच चुकी हूँ।
पर यहाँ बहुत ठंड है दोस्तों। कुछ ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, उसके बाद जाके कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं आपको थोड़ी देर में अपनी फैमिली वाले से भी मिलवाती हूँ। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, अभी देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, फिर मिलाती हूँ। भाई तो शायद ग्राउंड गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड में देखा मैंने उनको शायद से। मम्मा देखते हैं, मम्मा दादी ताऊ ताई कहाँ है, फिर उसके बाद जाके मिलती हूँ आपसे। गांव पहुँचते ही, जैसे ही गांव पहुँचते हैं वैसे ही इतनी डार्कनेस आ जाती है ना मुंह में, ऐसा लगता है कि पता नहीं हाथ मुंह धोया ही नहीं होगा, नहाए धोए ही नहीं होने। ठीक है दोस्तों, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। वाह भी है, वाह वाह, मक्की भी लगी है, यह सुखाई भी है। ओके, खाने के लायक पता नहीं होगी ही नहीं होगी, देखना पड़ेगा। दोस्तों हमको इतनी भूख लगी थी, हमने चाउमीन मोमोज लाए थे पैक करके होटल से, अब हम खाते हैं, उसके बाद जाके बाकी का काम निपटाते हैं। तो देखो तो मौसम के हालात कैसे हैं, और यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि पूछो मत कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आई हूँ अब मक्की निकालने, मक्की निकालने आई हूँ, अभी मक्की निकालेंगे हम। मम्मी ने बोला मेरे को कि देख देख के निकालियो मक्की, जो थोड़ी कच्ची सी होगी वो निकाल दो। ये देखो दोस्त ऐसे करके देखते हैं, इसमें किया है, ये खुली नहीं रही है तो। ठीक है दोस्तों, मैं मक्की निकालती हूँ, उसके बाद जाके आपसे बात करती हूँ। एक हाथ से हो नहीं रहा है, नहीं तो मैं एक हाथ से निकाल देती, बट एक हाथ से चेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं निकालती हूँ मक्की। बुट्टा 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 20 रुपए का मिलता है मम्मी रामपुर में, और मनाली में तो सीधे 30 रुपए 40 रुपए। सो दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है डन, अब हम देख रहे हैं टीवी। ओ, टीवी देख रहे हैं हम अभी। अब टीवी देखते हैं और फिर उसके बाद जाके सो जाते हैं, फिर सुबह उठना है, फिर काम करने जाना है। वैसे गांव में इस टाइम के लिए मैक्सिमम लोग सो चुके होते हैं, क्योंकि लोग थके होते हैं दिन भर काम करके। ओके गाइस, गुड नाइट, आज बहुत थके हुए हैं हम, सो जाते हैं टाइमली, थोड़ी सी ये मूवी देखते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द, बने रहे रुचि रेंटा व्लॉग्स।